भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से हेरोइन तस्करी का सिलसिला नहीं थम रहा। आज एक बार फिर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए समेजा थाना इलाके में 75 एमपी गांव के पास 3 किलोग्राम हेरोइन सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंजाब के ड्रग माफिया की ओर से श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। माफिया के लोग पैसों का लालच देकर स्थानीय युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल कर तस्करी जैसे अवैध धंधों की ओर धकेल रहे हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। एक के बाद एक हेरोइन तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रही सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क को भेदने में नाकाम साबित हो रही हैं। इधर अधिकतर मामलों में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां तस्करी के आरोपियों को पकड़ने का श्रेय लेने के चक्कर में तब तक अन्य एजेंसियों या संबंधित पुलिस थाने से संपर्क नहीं करती जब तक आरोपी पकड़ में नहीं आ जाते। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के आपसी समन्वय के अभाव में अधिकतर मामलों में तस्कर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं।